सो गाइस, जिसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लॉक फेसबुक लॉक अकाउंट का नेम चेंज कैसे कर सकते हैं। यदि आपका भी नेम आईडी कार्ड से मैच नहीं है तो आप भी फेसबुक लॉक अकाउंट का नेम चेंज कीजिए। फेसबुक लॉक अकाउंट का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका फेसबुक लॉक अकाउंट का नेम पहले इस प्रकार था, कार्तिकेय करके कुछ नेम था, और अभी फेसबुक इस पर नेम है दीपक करके, इस पर नेम है जो कि आप देख रहे हो। तो डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक दे रखा है, तो सिंपली से आप देखकर फेसबुक का नेम चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पर गेट स्टार्ट पर क्लिक किया, गेट स्टार्ट पर क्लिक करने पर मैं आइडेंटिटी पर क्लिक किया और फिर इसमें जीमेल को फिल कर देते हैं। जीमेल को मैंने कर दिया फिल। जीमेल को फिल करने के बाद सिंपली से जैसे कि मैंने जीमेल को कर देते हैं फिल db640356@gmail.com। ठीक है, जीमेल को मैंने किया फिल और इसको कर देते हैं कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद स्क्रॉल डाउन किया नीचे, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आ गया है हमें चूज़ फाइल का ऑप्शन, मतलब चूज़ फोटो। यहाँ पर आपको आईडी कार्ड सबमिट करना होता है, जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड या कोई से भी वोटर आईडी कार्ड या कोई सा भी नेशनल आईडी कार्ड सबमिट कर सकते हैं, जो भी आपकी कंट्री में चलता हो, वैलिड हो, उसको अकॉर्डिंग फेसबुक का नेम और डेट ऑफ बर्थ और थर्ड आपकी फ़ोटो सबमिट मैच होनी चाहिए, तभी आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो इसको मैंने सबमिट किया और सबमिट करने के बाद इसके नेक्स्ट डे रिप्लाई आया और ये आईडी कार्ड हो गया रिजेक्ट। ये रिजेक्ट क्यों हुआ, इसके रिजेक्ट होने के कारण ही एक था, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका नेम मैच हुआ, डेट ऑफ बर्थ मैच हुआ, लेकिन इसकी फ़ोटो मैच नहीं हुई, क्योंकि पैन कार्ड में फ़ोटो थी 20 साल प्लस बंदे की, मतलब कि उसमें फ़ोटो थी अभी करेंटली वाली। और इस पर अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, तो इस पर बंदे की जो फ़ोटो अपलोड है फेसबुक पर वो कम से कम 13 से 14 साल का बंदा है, तो फ़ोटो भी बच्ची वाली फ़ोटो होनी चाहिए। जब मैं नेक्स्ट आधार कार्ड सबमिट की, क्योंकि आधार कार्ड में उसका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं था, उसमें बच्ची वाली फ़ोटो थी, ऐसी 10 से 12 साल की बच्ची की जैसी फ़ोटो होती है, ऐसी फेस था, तो मैंने उसको सबमिट किया आधार कार्ड और वो एक्सेप्ट भी होगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्रोम ब्राउज़र पर लॉगिन थी, आईडी लॉगिन थी, तो वहीं पर मैंने जाके उसको सर्च मारा, तो सिंपली जाके जैसे सर्च मारा तो उसको जैसे सर्च मारा लाइव आपके सामने सर्च मारते हैं ऐसी सर्च मारा तो आइडेंटिटी भी कन्फर्म हो गई। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है। तो इस पर का आप अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए कि फेसबुक के लॉक अकाउंट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। जिन फेसबुक लॉक अकाउंट का ऑप्शन चेंज नहीं होता है उसको कंफर्म आइडेंटिटी के थ्रू ही अनलॉक करना पड़ता है। तो आपने समझ गए कि फेसबुक वाले तीन चीज़ महत्वपूर्ण रखते हैं, फर्स्ट आपका नेम मैच होना चाहिए, सेकंड आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना चाहिए, थर्ड आपकी फेस मैच होना चाहिए, समथिंग आपका फेस मैच होना चाहिए जो भी आपके फेसबुक में फ़ोटो अपलोड है उसके अकॉर्डिंग। और इन केस कभी कभी अकाउंट्स में फ़ोटो अपलोड नहीं होती है तो वहाँ पर एक चांसेस होता है कि आईडी कार्ड कंटिन्यूटी रिजेक्ट ही होता रहता है। तो इस प्रकार से आप फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे किस प्रकार फेसबुक अकाउंट को अनलॉक किया जाए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, और मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको रिप्लाई देने की मैं कोशिश करूँगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर से ही कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।